नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ मानिक साहा आज त्रिपुरा में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे। भारत ईरान ने चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजेगा। देशभर में आज होली मनाई जा रही है, इस दौरान यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए रेलवे 196 विशेष गाड़ियां चला रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक विस्फोट में 18 लोगों की मौत और 100 लोग घायल। और क्रिकेट में नवी मुंबई में महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को 42 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ मानिक साहा आज राज्य के नए मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। अगरतला में स्वामी विवेकानंद मैदान पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल सत्यदेव नारायण आचार्य डॉ साहा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का दूसरा कार्यकाल आज से मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मानिक साहा के शपथ ग्रहण समारोह के साथ शुरू होगा। शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्रियों समेत उत्तर पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्री और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की उपस्थिति में होगा। हाल ही में सम्पन्न त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भाजपा IPFT गठबंधन ने 60 में से 33 सीटों पर जीत हासिल कर सत्ता में दूसरी बार लौटी है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। भारत ईरान ने चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजेगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अफगानिस्तान में वर्तमान मानवीय स्थिति से निपटने के लिए यह फैसला किया गया है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान से संबंधित भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में भारत ने प्रतिभागियों के साथ अफगानिस्तान की मौजूदा राजनीतिक, सुरक्षा और मानवीय स्थिति के बारे में चर्चा की। उन्होंने ऐसे समावेशी और राजनीतिक ढांचे के गठन पर जोर दिया जो अफगानिस्तान के सभी नागरिकों के अधिकारों को सम्मान दे और महिलाओं, बालिकाओं तथा अल्पसंख्यक समूह के सदस्यों के समान अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करें। बैठक के दौरान भारत और नशीली दवाइयों तथा अपराधों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय अफगानिस्तान में नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों के पुनरुद्धार सहित नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के प्रयासों में भागीदार बनने पर सहमत हुए। उन्होंने कहा कि महिलाओं और वैकल्पिक आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। होली आज देश भर में उल्लास और उमंग के साथ मनाई जा रही है। ये पर्व वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस अवसर पर बधाइयों और मिठाइयों का सिलसिला जारी है और लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। देश भर में लोगों में मस्ती का सुरूर है और वे गीत संगीत की थाप पर नृत्य करते देखे जा रहे हैं। बच्चे रंग भरे गुब्बारों के साथ होली का आनंद ले रहे हैं। इस अवसर पर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए 196 विशेष रेलगाड़ियों के 491 फेरे चला रहा है। ये रेलगाड़ियां दिल्ली, पटना, गोरखपुर, मुंबई, गुवाहाटी, रांची, नई दिल्ली, माता वैष्णो देवी कटरा, जयपुर, बांद्रा और पुणे दानापुर सहित देश के प्रमुख शहरों को जोड़ रही हैं। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की है।
होली के पर्व पर दिल्ली में यातायात पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। होली के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी लाइनों पर दोपहर बाद 2:30 बजे से शुरू होंगी। इस अवसर पर तेजी से आगे बढ़ रहे मुंबई शहर में महिलाएं प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। सभी महिला कर्मचारी शहर में 2 मेट्रो और 1 स्थानीय रेलवे स्टेशन का संचालन कर रही हैं। मुंबई में मेट्रो लाइन 2A पर आकुरली मेट्रो स्टेशन और मेट्रो लाइन 7 पर एक्सर मेट्रो स्टेशन महिला शक्ति के प्रतीक बन गए, क्योंकि इन दोनों स्टेशनों की गतिविधियों का परिचालन तथा प्रबंधन 76 महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें स्टेशन प्रबंधकों से लेकर सुरक्षा गार्ड तक सभी जिम्मेदारियां शामिल है। आकुरली और एक्सर स्टेशनों पर सभी महिला कर्मचारी 3 शिफ्टों में काम कर रही है। गौरतलब है कि मुंबई मेट्रो रेलवे के पास फिलहाल 958 यानी 27% महिला कर्मचारी कई तरह की जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है। मुंबई में मध्य रेल के माटुंगा रेलवे स्थानक पर यह पहल 2017 में शुरू हुई थी और जिसके कारण इस स्थानक का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ था। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को होली की बधाई दी है। एक संदेश में उन्होंने कहा कि होली स्नेह और भाईचारे का त्यौहार है और हमारे विविधतापूर्ण समाज के जीवंत रंगों और सौहार्द का प्रतीक है। श्रीमती मुर्मू ने होली पर सबके जीवन में सुख समृद्धि और नई ऊर्जा के संचार की कामना की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने होली के शुभ अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि होली रिश्तों में मजबूत करने और गलतियों को माफ करने और वसंत की नई शुरुआत का स्वागत करने का त्यौहार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं। लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जरा गौर से सुनिए, अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इस महीने की 10 से 31 तारीख तक खेलो इंडिया 10 का दम प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इस दौरान देश के 10 शहरों में 10 स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। इनमें लगभग 15,000 महिला खिलाड़ी भाग लेंगे। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 10 मार्च को होने वाले उद्घाटन समारोह में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उपस्थित रहेंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गुलिस्तान इलाके में कल के विस्फोट में मृतकों की संख्या 18 हो गई है। ढाका पुलिस के अनुसार बांग्लादेश की राजधानी के गुलिस्तान इलाके में कल के विस्फोट का मूल कारण बहुत अधिक गैस का जमा होना था। रविवार को ओल्ड ढाका के साइंस लैब इलाके के एक भवन में भी गैस जमा हो जाने के कारण ही विस्फोट हुआ था। इस भीषण विस्फोट में मरने वालों की संख्या 18 हो गई है और 100 से अधिक लोग घायल हैं। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विस्फोट में मारे गए लोगों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। क्रिकेट में महिला प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। ये मैच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को 42 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रन बनाए, जवाब में यूपी वॉरियर्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 169 रन ही बना सकी। गुजरात सरकार ने राज्य में आलू और प्याज उत्पादकों के लिए उत्पादों की ढुलाई और भंडारण के प्रयोजन से 330 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है।
राज्य के कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने कल विधानसभा में कहा कि आलू और प्याज के कीमतों में कमी को देखते हुए यह फैसला किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल कल से कर्नाटक के 3 दिन के दौरे पर जाएगा। ये दल राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल और निर्वाचन उपायुक्त इस दल के हिस्सा होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट एवरी थर्सडे एट 5:30 PM ब्रिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड एन्चेंटिंग स्टोरीज फ्रॉम द 8 इंडियन स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। In this week's Northeast Diary, on 9th of March, 2023, we bring an exclusive and interesting interaction with three women achievers from Sikkim, namely Mrs. Mona Gurung, Miss Chimi Bhutia and Miss Prabha Chetri. Looking forward to seeing you there. अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद विमलेंदु। वेबिनार में प्रधानमंत्री के संबोधन पर राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, अर्थव्यवस्था हुई मजबूत, करदाताओं का बढ़ा भरोसा। प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र से अधिक निवेश करने का आग्रह किया। मजबूत बैंकिंग व्यवस्था का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की अपील की। हिन्दुस्तान लिखता है, राष्ट्र निर्माण से जुड़ा है कर भुगतान का नाता। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से सीबीआई की पूछताछ, अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। जनसत्ता लिखता है, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तिहाड़ में और बाहर सीबीआई ने सहायक को घेरा। आबकारी मामले में सेलफोन बदलने, उन्हें नष्ट करने और नीतिगत निर्णयों तथा समय सीमा के पालन संबंधी निर्णय को लेकर हुई पूछताछ। दैनिक जागरण की खबर है, कोयला संयंत्रों को 40% बिजली हरित ऊर्जा से जुटानी होगी। बिजली मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ये प्रावधान कोयला और लिग्नाइट आधारित संयंत्रों पर इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर जनसत्ता की सुर्खी है, सोशल मीडिया और ओटीटी मंचों पर अश्लील भाषा को गंभीरता से लें। उच्च न्यायालय ने कहा, अभद्र भाषा के रूप में अश्लीलता का इस्तेमाल महिलाओं को कमतर दिखाता है, वे स्वयं को पीड़ित महसूस करती हैं। आज होली और महिला दिवस के संयोग पर अखबार रंगों से सराबोर है। हिंदुस्तान सलाम शीर्षक से लिखता है, समाज में सुख समृद्धि के चटक रंग बन रही महिलाएं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शोध में 29% है महिलाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 71% महिला कार्यबल। वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में लगा है और सुरक्षा में 10,000 से ज्यादा महिला अधिकारी सशस्त्र बलों में कार्यरत हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ माणिक साहा आज त्रिपुरा में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे। भारत ईरान ने चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजेगा। देश भर में आज होली मनाई जा रही है, इस दौरान यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए रेलवे 196 विशेष गाड़ियां चला रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक विस्फोट में 18 लोगों की मौत हो गई और 100 घायल हो गए हैं। और क्रिकेट में नवी मुंबई में महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को 42 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।